Hello learners, myself Parminder Kaur, educator, and welcome to my channel. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ दिसंबर 2017 MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग इन सी का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ. वट इज रिकर्जन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीसीए और पीजीडीसीए न्यू के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. अगर आप मेरे चैनल पर जाते हो और मेरी प्रोफाइल पे जाके, मेरी पिक पे जाके क्लिक करते हो तो आपको मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहां पे मैंने इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. तो आप वहां उन क्वेश्चंस को देखिए और अपनी नॉलेज को एनहांस करिए. और आने वाले वीडियो लेक्चर्स का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिकर्जन. डियर लर्नर्स, ये वाला मटेरियल मैंने आपकी MCS 201 की PDF से लिया है. What is recursion? अगर आपको आता है तो आप क्या लिखोगे? That if the function calls itself again and again, it is known as recursion. ठीक है? If the function calls itself, the mechanism is known as recursion, and the function is known as recursive function. ये recursion हम कहाँ कहाँ use कर सकते हैं? हम sorting में ये use कर सकते हैं और सर्चिंग के लिए रिकर्जन को यूज कर सकते हैं. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और आप इसमें क्या दे सकते हो. जैसे कि आपके पीडीएफ में भी गिवन है कि जो रिकर्सिव फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है. जो रिकर्सिव फंक्शन है, इट फर्स्ट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द इनर मोस्ट कंडीशन. सबसे पहले ये इनर मोस्ट कंडीशन को चेक करता है, विच इज ए टर्मिनेशन कंडीशन, and then returns with the value to the outermost call and produces results with the value from the previous returns. कि सबसे पहले ये innermost condition की तरफ जाता है, फिर termination condition को check करता है, फिर उसके बाद it moves to the outermost call and produce the result. जैसे कि यहाँ पे नोट गिवन है दैट दिस मैकेनिज्म अप्लाइज ओनली टू दोज प्रॉब्लम विच रिपीट्स इटसेल्फ. जैसे फाइबोनाची सीरीज है, टावर ऑफ एनॉय है, ठीक है, वहां पे रिकर्जन को यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिकली आप देखो कि उसको कैसे, अगर हमने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा. तो ये गिवन है दैट n इनटू n माइनस 1 ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि मेन फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है, आपको पता है, अगर ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्जन बोलते हैं. ठीक है, डियर लर्नर्स, रिकर्जन का प्रोग्राम मैंने आपके पीडीएफ से ही लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो, दैट प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन. आपको पेपर में आया हुआ है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, तो यही प्रोग्राम जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ. डियर लर्नर, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लेंगे. अगर आपने सी करी हुई है तो आपको पता होगा कि हम वो हेडर फाइल्स लेनी पड़ती हैं. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ stdio.h, एक हेडर फाइल ले रही हूँ. एक हेडर फाइल जो है वो आप conio.h भी ले सकते हो, अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है, conio.h. ठीक है, उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाना है उसको भी हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, दैट इंट फैक्ट इंट एन, और उसको टर्मिनेट हम करेंगे सेमीकोलन के साथ. अब यहाँ पे मेन फंक्शन लेंगे हम, और आपको पता है मेन फंक्शन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए.
नहीं लगाना चाहिए, मीन्स लगाना ही नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, एक एन ले रही हूँ ठीक है, और एक मैं फैक्टोरियल ले रही हूँ। मैंने आपकी पीडीएफ से ही लिया है सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओ। देन प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर, जिस भी नंबर का आपने फैक्टोरियल लेना है ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलर, देन स्कैनफ क्योंकि हमने इनपुट करवाना है, परसेंट डी बिकॉज इट इज ए न्यूमेरिक इंटीजर नंबर ठीक है, इंटीजर है इसलिए परसेंट डी ले रहे हैं, कॉमा एम्परसेंट एन, एम्परसेंट डालना मत भूलना, सेमी कॉलन, उसके बाद फैक्टोरियल, देन इक्वल टू फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट है ना, फैक्ट, फैक्ट ऑफ एन, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाना है क्योंकि हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं राइट। नेक्स्ट इज प्रिंट एफ, क्योंकि अब हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो आप बोलोगे फैक्टोरियल तो काउंट ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, वो हमने फंक्शन में करना है ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू परसेंट डी बैक स्लैश एन इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, देन यहाँ पे आपने फैक्टोरियल, मैं नीचे लिख रही हूँ स्पेस नहीं है इसलिए फैक्टोरियल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, देन सेमी कॉलन ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करते हैं दो, देन रिटर्न जीरो, उसके बाद ब्रेसेस क्लोज ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल, तो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी है इसलिए मैं इस यहाँ पे लिख रही हूँ इंट फैक्ट इंट एन ठीक है, तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। इसके बाद हम एक लोकल वेरिएबल ले रहे हैं दैट इज इंट रिजल्ट के लिए आर ई एस, देन सेमी कॉलर। डियर लर्नर्स मैंने आपको बताया था कि हमें टर्मिनेशन कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन के लिए मैं ले रही हूँ दैट इज इफ एन इक्वल टू वन, कि अगर एन की वैल्यू वन है तो क्या रिटर्न हो, वन, रिटर्न वन ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है आपने। उसके बाद अदर्स, अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स, एल्स के बाद आप क्या दोगे दैट आर ई एस इक्वल टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन, तो ये फैक्ट जो है वो फंक्शन है जो अपने आप को क्या करेगा, कॉल करेगा जब तक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, रिटर्न, देन उसके बाद आर ई एस, इसको हम टर्मिनेट करेंगे सेमी कोलन के साथ, देन ब्रेसेस। डियर लर्नर्स ये प्रोग्राम मैंने आपको दिया है ठीक है, टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे होती है इसकी, जैसे आप कोई भी नंबर इनपुट करवाओ, फाइव नंबर इनपुट करवाओ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव, उसके बाद फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट ऑफ एन, ये जो एन है ठीक है ये यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन की वैल्यू फाइव हो जाएगी और फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग को, डियर लर्नर्स जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सपोज मैं एन की वैल्यू फाइव लेती हूँ, अब फाइव इक्वल टू जीरो, क्या फाइव जीरो के इक्वल है, नो, फाइव इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, फाइव इंटू फैक्ट, फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर, तो कंट्रोल नीचे आ जाएगा, फिर फोर क्या इक्वल टू जीरो है, नो, फोर जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं है तो ये क्रॉस हो गया, कंट्रोल एस वाले पार्ट पे आ जाएगा, फोर इंटू फैक्ट ऑफ थ्री ठीक है, फोर माइनस वन तो ये थ्री आ गया। अब फिर देखा जाएगा क्या थ्री इक्वल टू जीरो है, नो, थ्री इक्वल टू जीरो नहीं है, ऐसे कंट्रोल जो है वो टू को चेक करेगा, वन को चेक करेगा, फिर वन माइनस वन फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो,
कंट्रोल यहाँ पे आएगा और पूछा जाएगा क्या जीरो जीरो के इक्वल है? यस। तो कंट्रोल जो है वो जीरो के इक्वल है, इट मींस इट रिटर्न्स वन। आप प्रोग्राम में भी देखो, अभी जो हमने प्रोग्राम करा था कि अगर एन की वैल्यू इक्वल टू वन है तो वो क्या रिटर्न करेगा? वन। इट मींस अब हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे वन इंटू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। ये वन किसको रिटर्न होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब ये किसको रिटर्न होगा? ट्रू, इस पोर्शन को। तो यहाँ पे थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। अब ये सिक्स किसको पास ऑन होगा? यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर इंटू सिक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 24 के। और 24 जो है वो किसको रिटर्न होगा? फैक्टर 4 को। तो ये 5 इंटू 24, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 120। आप अपने पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो, आपके पीडीएफ में भी यही है कि फैक्टर 5 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 5 इंटू फैक्टर 4, देन फैक्टर 3, 2, 1, और फिर ये रिकर्सिवली मीन्स रिटर्न करेगा प्रोसेस को, ठीक है, ऐसे वैल्यूज। तो ये आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 120। ये सारा प्रोसीजर जो है वो स्टैक में होता है, फिर उसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस होते हैं और वैल्यू हमारे पास प्रिंट होती है। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको इसकी वर्किंग पता चल गई होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम आप अपने पीडीएफ से ले सकते हो और ऐसे आप इसकी वर्किंग बता सकते हो, ठीक है। तो दिस इज रिकर्जन, जो क्या है, इनर मोस्ट कंडीशन को चेक करता है और फिर उसके बाद ये आउटर मोस्ट लूप पे जाता है। डियर लर्नर्स, आपको पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइट्रेशन एंड रिकर्जन, ठीक है। तो वो डिफरेंस भी आपने करके जाना है। थैंक यू।